ब्रो भाई बर्राता सी भाई जान स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज से हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन एक्स एंड वाई। मतलब पोकेमॉन एक्स एंड वाई एक साथ नहीं खेल सकते, दिस इज पोकेमॉन वाई। एंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि नॉर्मल वाला खेलूँ या फिर एक्सट्रीमली रैंडमाइज वाला खेलूँ या फिर कुछ और खेलूँ, तो तुम लोग ने मुझको बताया कि इसका नॉर्मल वाला वर्जन ही खेलना सही रहेगा। वेल चलो ठीक है, हम लोग नॉर्मल वाला ही खेलेंगे, लेकिन अगर तुमको एक्सट्रीमली रैंडमाइज वाला खेलना है तो तुम अगर मेरे ट्विटर अकाउंट पे 100 फॉलोअर्स कर देते हो तो मैं सेकेंड एपिसोड में तुमको रैंडमाइज वाले रूम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सिंपली। सो या मेरा आईडी तुमको स्क्रीन पे मिल जाएगा या फिर लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ यार जल्दी से ट्विटर पर फॉलो करो। एंड हाँ, अगर तुमको ये नॉर्मल वाला गेम डाउनलोड करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में एक एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड फाइल की लिंक होगी जो कि सिर्फ 900 MB की होगी, 873 आई थिंक सो, तो तुम जाके वहाँ भी चेकआउट कर सकते हो, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो एंड सिटरा में जाके खेल सकते हो। वेल चलो गेम के अंदर चलते हैं। ओके इंग्लिश एंड लेट्स बिगिन दिस गेम। Yes, this is our Pokemon Y and let's just go into it. Okay, भाई, let's see यहाँ पे क्या है भाई गोला आकार का। This is Pokeball, of course. भाई उस तरह से दिखा रहा था ना, मुझको लग नहीं रहा था ये Pokeball है। Pokemon की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं हूँ अगस्टाइन साकामोरे, कार्लो सीजन का सबसे नया प्रोफेसर। हमारा ये दुनिया बहुत ही अजीब से क्रिएचर से भरा पड़ा है जिनको पोकेमॉन कहते हैं। भाई ये सब मुझको पता है एंड ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वेल लेट्स सी भाई, सब यहाँ अदर अदर पोकेमॉन से ये मिस्टीरियस क्रिएचर भाई। ओके चलो ठीक है। एंड प्रोफेसर और कुछ कहना है आपको? हम लोग साथ में रहते हैं भाई, ये सब मुझको पता है, ये सब हमको बताने की जरूरत नहीं है। ओके सिंपली हमको यहाँ पे अपना कैरेक्टर चुनना है एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे मैं क्या चुनने वाला हूँ? ऑफकोर्स मैं ये बंदी सी शक्ल के लड़के को चुनने वाला नहीं हूँ भाई, क्योंकि सरीना मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे फिर से मैं सरीना को लेने वाला हूँ। एंड यहाँ पे हम कौन सा ले? ओके आई थिंक सो आई एम गोइंग विद दिस वन। ओके लेट्स सी, अभी मेरा नाम ना, तो हर गेम की तरह मैं यहाँ भी अपना नाम वही रखूँगा। एंड या मेरा नाम है आइला भाई। यस आइला नाम मुझको बहुत अच्छा लगता है एंड ऑफकोर्स सब में सेम नाम रखने से मुझको याद रहता है भाई, नहीं तो नाम भी मैं भूल जाऊंगा कुछ कुछ अगर रखूंगा तो। सो ये आइला है देन, क्या मैंने ये सही लिया? सही पकड़े भाई? सही पकड़े हैं। ओके चलो ठीक है, वैसे भी ये बहुत प्रिटी है यार, कितना फैंटास्टिक सा नेम है हमारा। यस ऑफकोर्स ये तो हर किसी को मतलब वही बोले कि तुम्हारा नाम बहुत फैंटास्टिक था, मतलब मस्का लगाने में तो प्रोफेसर बहुत आगे है। वेल चलो हम लोग चलते हैं अपने पोकेमॉन की दुनिया में एंड लेट्स सी कि क्या क्या हमको यहाँ पर करने के लिए मिलेगा। आई एम टू एक्साइटेड मैन, दिस इज़ फ्लैटलिंग ना, आई थिंक सो इसका नाम फ्लैटलिंग ही था। या ऑफकोर्स लेट्स सी। एंड ये रहा हमारा भाई रूम, भाई रूम तो बहुत कूल लग रहा है, बिल्कुल लड़कियों वाला। यस ऑफकोर्स एंड यहाँ पर हम सो रहे हैं भाई, उड़ जा यार। ओके अबे यार इतना चोच मार रहे हैं कि क्या ज़रूरत है हमको, बेचारी को लग जाएगा बस। ओके चलो ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे हम उठ चुके हैं। कितना क्यूट है ना, मतलब ये देखो तुम कितना क्यूट लग रहा है ये। ओके चलो ठीक है। ओ भाई मिरर है यहाँ पे, ओ भाई दैट्स परफेक्ट। और कुछ है मेरे रूम में? बस पूरा खटाल तो या खाली है। एंड या फिर से ये निंटेंडो स्विच भाई, मतलब ये निंटेंडो स्विच नहीं है, मतलब उस ज़माने में जो सा 3DS एमुलेटर चलता होगा शायद से वही है। वेल चलो नीचे चल के देखते हैं। एंड यहाँ पे हमारी मम्मी है, तो मम्मी बताओ कि हमको क्या करना है आगे। मॉर्निंग आइला, तुम पक्का ही अच्छे से सोई होगी, उस मूव से रेस्ट की ना? कौन सा मूव भाई, इसके बारे में तो मुझको पता भी नहीं है। आइला ऐसा लगता है कि तुम अपने बेड से लुगर के गिर गई। भाई मतलब हम तो नहीं गिर रहे, वो फ्लैटलिंग हमको मतलब चोच मार दी, सुबह सुबह दिन खराब कर दिया हमारा। जाओ और खुद को मिरर में देखो और अपने पैजामा इसको चेंज करो। ओके तो मिरर में तो हम अभी देखे ही थे खुद को, बट या लेट्स सी कैसे करना है यहाँ पे। ओके इज दैट परफेक्ट, टच करना है। ओके हाँ या आई थिंक आगे जाके एक क्लिक करना था। ओके चलो ठीक है। एंड भाई ड्रेस तो देखो यार, मतलब ये तो कितना गज्जब का लग रहा है, मतलब सरीना को तो तुम देखो एक बार, मतलब एक बार तो ये घायल कर दे सबको।
या ऑफ कोर्स हमने अपना पैजामा चेंज कर लिया है, एंड हमने पैजामा के अलावा पूरा ड्रेस ही चेंज कर लिया भाई। ओके मम्मी बताओ, ये टाइम है तुम्हारा बाहर जाने का, क्यों ना तुम बाहर जाओ और अपने नेबर्स को हेलो कहो। या ऑफ कोर्स चलो चल के देखते हैं कि हमारे नेबर्स कौन है। ऑफ कोर्स वैसे तो मुझको मैंने मतलब एक्स वाई सीरीज देखी नहीं है, बट लेट सी कौन कौन से होते हैं, इतना तो गेस कर ही सकते भाई। ओके अबे यार ये पूरा काला काला क्यों है। एक मिनट, अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ठीक करूं। वेट अ मिनट, ओके आई थिंक सो सही है सब चीज। वेलकम टू वनी वाइल्ड टाउन, मेरा नाम है कैलीम, मैं तुम्हारे बगल में ही रहता हूँ भाई। चलो ठीक है, और मैं हूँ सायुना, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। गेस व्हाट, हम तुम्हीं को लेने आए हैं। ओके द री ओन्ड प्रोफेसर साकामोरे कार्लोस रीजन में रहते हैं, मैंने सुना है उनके पास टास्क है 5 किड के लिए हम लोग के सहित। ओके मतलब हमको सिंपली वहाँ पे जाके कुछ सा टास्क कंप्लीट करना है, लेट्स सी। हम तुम्हारा नेक्स्ट टाउन में वेट करेंगे, और तुम्हें पता है क्या? क्या? हम लोग को एक पोकेमॉन मिलने जा रहा है। ओके भाई मजा आएगा, लेट्स सी नेक्स्ट टाउन में क्या है। अभी देखो यहाँ पे रैंडमाइज रहता ना तो पोकेमॉन चुनने में मजा आता, लेकिन मुझको पता है कौन से पोकेमॉन मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया यार अभी तक। वेल व्हाट इज दिस मैन, इसका बॉल में बॉल है क्या, ये क्या ही है, जो भी है चलो ठीक है। एंड भोलो अंकल जी आप ही बताओ कुछ। ओए साइंस अमेजिंग है। यार वो मुझको पता है साइंस अमेजिंग है, हम लोग अलग अलग प्लेयर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये इस गेम में। वेल लेट्स सी कि हमको नेक्स्ट टाउन मिलेगा कहाँ, वो लोग तो इधर साइड ही गए थे तो दैट माइट बी पॉसिबल। दिस इज रूट 1 भाई, हम रूट में जाए बिना पोकेमॉन्स के, नहीं नहीं टाउन पहुंच भी गए भाई, रूट तो बहुत बड़ा था यार। हे आयला इस रास्ते पे यहाँ आओ। ओके चला ठीक है चलते हैं। किस रास्ते बोला, मतलब रास्ता तुमको पता ही नहीं चला। इज दैट दिस वन, यस ऑफ कोर्स। हम लोग बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, कम ऑन बैठो। ओके चलो ठीक है, हमारे बारे में बातें, लेट्स सी। ये मीटिंग प्लेस है आइला, चलो मैं तुमको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एवरीवन ये है आइला। वाओ सहुना का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स ये अच्छा था, दो लाइन तो मैं भी बोल सकता हूँ। ओके और ये है ट्रिवर, ये थोड़ा सा शर्मीला है लेकिन इसको हमेशा टेस्ट में फुलाते हैं भाई। ये थोड़ा किताबी की रहा है। ऑल राइट मिलके अच्छा लगा। तुम्हें पता है मुझे लग रहा है कि हम सब पास आ सकते हैं अगर हम लोग अपने निकनेम से खुद को भुलाएं। खुद को मतलब एक दूसरे को भुलाएं यार। ओके क्या, नो वे, वो लीला है फॉर श्योर। ओके भाई बेचारी को गुस्सा दिला दिया तूने। ओके क्या तुम चाहते हो कि जिससे मैं मिलूं उसको मैं निकनेम दूं? भाई या मतलब उसने अभी हमसे मिला है एंड हम ही को निकनेम देने में तुला हुआ है भाई। तुमको डिसाइड करना चाहिए कि हम तुम्हें क्या बुलाएं। ओके चलो ठीक है, मेरा क्या निकनेम रहेगा, लेडी ए अकनी, पिक योर ओन। मेरा मतलब निकनेम तो मेरा आइला ही सही है, अब क्या ही बोले इसको बोलने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके मैं अपना रियल निकनेम यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। वैसे देखो ये बिल्कुल भी सीक्रेट है, किसी को मत बताना। आई डोंट नो भाई मतलब मैं यार क्यों पुट कर रहा हूँ, इससे मैं कुछ ज़्यादा ही छिटकता था बच्चे में, लेकिन यार दैट्स ओके दैट्स फाइन। एंड तुम लोग मुझको मेरा नॉर्मल नेम से पुकारना ही मत, या फिर कुछ और बोलना है ऐसे मत बोलना तुम लोग, ये सिर्फ मेरे दोस्त बोल सकते हैं ऐसे। तुम चाहती हो कि हम तुम्हें बोधो बुलाएं? यस ऑफ कोर्स। मुझको पढ़ना ही नहीं है, नहीं मुझको पढ़ना ही नहीं है, लगता है मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, अभी टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने पोकेमॉन चुने, हमारा फर्स्ट पोकेमॉन। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 पोकेमॉन्स, मतलब जो 3 चॉइसेस मिलती है वो हमारे पास है, बट विच वन टू गो फॉर। अभी तुमको पता है ना यहाँ पे मैं फैनिकन या फिर फ्रोकी या फिर जैस्मिन चुन सकते हैं। भाई जैस्मिन को हटा ही दो, ये वैसे भी कुछ काम का नहीं है, गजब बेइज्जती है। ओके अभी 2 चॉइसेस बचती है, एक फ्रोकी का एक फैनिकन का। लिटरली यू नो व्हाट, ये मेरा थोड़ा सा फिक्स था कि मैं फ्रोकी ही लेने वाला हूँ, बट या ऑफ कोर्स मैं क्या ही बोल रहा फिलहाल के लिए। चलो इसको निकनेम देते हैं, एंड क्या दिया जाए यार इसको। क्या तुम अपने पोकेमॉन को एक निकनेम देना चाहती हो? यस ऑफ कोर्स मैं देना चाहता हूँ, लेकिन क्या दिया जाए। ऑफ कोर्स मेरे पास एक नाम है, तुम लोग बताना कमेंट करके ये कैसा रहेगा।
या आई एम गोइंग टू निकनेम हिम बंटाई, क्योंकि बंटाई का फेवरेट ग्रीन निंजा है, ये भी ग्रीन निंजा बनेगा एंड कोऑर्डिनेशन बैठेगा भाई। ओके चलो ठीक है, बंटाई कैसा नाम है यार कमेंट करके बताना, तुमको पता ही होगा बंटाई कौन है, पोकेमॉन बंटाई ऑफ कोर्स। ओके ओके मेरा पार्टनर है फैनिकिन, वो हम दोनों साथ में चलेंगे, हम दोनों बहुत क्यूट रहेंगे। यस ऑफ कोर्स तुम दोनों रहोगी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जैस्मिन, मेरा नाम है कलीम, तुम्हारी वजह से मैं एक रियल पोकेमॉन ट्रेनर हो सकता हूँ, थैंक्स भाई बहुत अच्छे। पार्डन मी, मेरे पास कुछ है जो मुझे प्रोफेसर ने दिया था, मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुमको और पोकेमॉन को ठीक से समझने में मदद करेगा। क्या है भाई? पोकेडेक्स भाई, ये इस तरह से बोल रहा था ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा था कि पोकेडेक्स बोलेगा। ओके द रीजन जिसके कारण तुमको ये मिला है वो है प्रोफेसर चाहते थे कि तुम अपनी जर्नी में पोकेमॉन्स, अच्छा पोकेमॉन्स को पकड़ो एंड पोकेडेक्स को कंप्लीट करो। यह सब को चलो बढ़िया है। ओह लिटिल एफ ट्रिपर, तुम कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हो कभी कभी। यस ऑफ कोर्स वो हो जाता है, मतलब थोड़ा सा वो किताबी कीड़ा टाइप का है ना, इसलिए तो हमको एक प्रोफेसर का लेटर मिला है एंड हमको इसके साथ क्या करना है। ऑल राइट, हमारे यहाँ पे सारा काम हो चुका है प्रोफेसर से लेके, चलो ठीक है। एंड ट्रिवर के साथ ये लोग गए, अभी हमको करना क्या है, हमको जर्नी स्टार्ट करनी है आई थिंक सो, या फिर हमको कहीं कुछ मिलेगा। कार्लोस में बच्चे पोकेडेक्स सुनते हैं और एक एडवेंचर पे जाते हैं। यस हमको भी जाना है सिंपली। वेल रास्ता क्या है, हमको किधर से जाना है वो मुझको नहीं पता। वेल तुम लोग कमेंट करके बताना कि हमको यहाँ से आगे करना क्या है। सो या गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।